हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल युविका फैशन पॉइंट पर। तो अभी बजने वाले हैं शाम के 6, और अभी जस्ट हम लोग जो है वो फ्री हुए हैं शाम की जो चाय होती है उसको लेकर के। तो ये जो टाइम होता है ना शाम का, मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के वक्त आधा या 1 घंटा जो है वो बच्चों को थोड़ी खुली हवा में लेकर के जाऊँ, ताकि वो थोड़ी देर खुली हवा में भी खेलें। क्योंकि जब से ये कोविड वाला जो पैंडेमिक है वो स्टार्ट हुआ है, तब से बच्चे जो हैं वो कैद हो गए हैं घरों में, क्योंकि बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो रखी हैं। और थोड़ा डर भी लगता है जब आप बच्चों को घर से बाहर पार्क्स में या कहीं लेकर जाते हैं। तो इसीलिए ये जो टाइम होता है वो होता है बच्चों के साथ छत पर जाने का। तो सोचा कि चलिए आज जो व्लॉग की शुरुआत है वो इसी टाइम पर की जाए। तो चलते हैं छत पर। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि पिछले काफी टाइम से ना जो मैं वीडियोस शूट करती थी वो बस रूम में बैठ करके, एक ही जगह पर बैठ करके शूट कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं जो व्यूअर्स हैं वो बोर ना हो जाएं एक ही बैकग्राउंड को हर वीडियो में देख देख कर। तो इसलिए आज फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि चलिए आज का जो वीडियो है वो कुछ अलग तरीके से शूट किया जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके सजेशंस हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 जाकर के आपके कमेंट्स जो हैं वो भी पोस्ट करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं छत पर। जो अभी जो है वो मैं हूँ हमारी जो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं उन पर, और बस मैं छत पर पहुँचने वाली हूँ। तो हो सकता है मेरे जो दोनों नन्हे मुन्हे से शैतान हैं, जो नटखट से बच्चे हैं, उनकी आवाज़ें भी आपको आने ऑलरेडी शुरू हो गई होंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे। मेरे ऊपर आप देख सकते हो कि जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ नहीं है, थोड़े बादल जो हैं वो हो रहे हैं, और बहुत अच्छी हवा चल रही है इस वक्त छत के ऊपर। और यहाँ पे हैं मेरे दोनों शैतान, ये देखिए, ये इनके स्कूटर्स हैं जो इनको आज ही मिले हैं। तो होता है ना बच्चों के साथ में, कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, या आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसा होता है या नहीं मुझे बताइएगा, कि भाई जब बच्चे को कोई नया नया खिलौना मिलता है ना, तो फिर बच्चे का सारा जो अटेंशन है वो सिर्फ उस नए वाले खिलौने पर ही होता है। फिर पुराना कोई भी खिलौना जो है उसको बच्चे जो है वो हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो इन लोगों के साथ वही हो रहा है अभी, क्योंकि ये आज ही आया है। तो आज तो भाई आज और हो सकता है एक दो दिन जो सारा फोकस है वो इन्हीं पर रहेगा। यहाँ पर मेरी बेटी की भी आपको कुछ आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त छत पे, मतलब शाम का जो ये वक्त होता है ना, ये मुझे शायद पूरे दिन में सबसे अच्छा जो वक्त होता है मेरे लिए, वो मुझे ये शाम का वक्त लगता है। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मतलब सारा दिन की भाग दौड़ के बाद अगर शाम को आप आधा या 1 घंटा खुली हवा में आते हो तो आपको अपने आप में बहुत रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग जो है वो फील होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ रोज़ कि शाम के वक्त एटलीस्ट आधा या 1 घंटे का जो है वो टाइम निकाल करके मैं छत पर ज़रूर आऊँ, क्योंकि बाहर जाना तो भाई कोरोना की वजह से अब पॉसिबल रहा नहीं है उतना। मतलब जा सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तो हट गई हैं, पर हाँ खुद को अभी भी जो है वो थोड़ा सा डर लगता है कि भाई गवर्नमेंट ने तो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं और मार्केट्स में जो है वो फिर से रश वैसे ही हो गया है। तो अभी भी जो थोड़ा सा डर है वो है कि भाई भीड़ भाड़ में अगर हम जा रहे हैं तो पता नहीं वो हमारे लिए सेफ है या नहीं। तो बस उस वजह से जो है वो बाहर आना जाना थोड़ा सा जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि ना जाना पड़े। लेकिन हाँ, छत पे आकर के आपको बहुत अच्छी जो हवा है, एकदम फ्रेश ताज़ा जो हवा है वो मिल जाती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ ना, तो भरतपुर में क्या है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं वो नहीं हैं अभी आसपास। और स्पेशली जहाँ पे मतलब मेरा जो घर है, आपने सुना होगा
घना या केवला देवी नेशनल जो नेशनल बर्ड सेंचुरी है, तो वो जो है वो हमारे घर के काफ़ी पास में है। तो काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो आप कह सकते हो एक तरह से कि जो जंगल या फिर जो खुला जो एरिया होता है ना वो है। तो उसकी वजह से ना यहाँ की जो हवा है वो काफ़ी फ्रेश रहती है, काफ़ी आपको जो हवा है वो ताज़ी ताज़ी हवा आपको मिलती है, ठंडी ताज़ी हवा, वो भी बिना पॉल्यूशन वाली। मतलब बिना पॉल्यूशन वाली तो नहीं कह सकते हैं, पॉल्यूशन हर जगह है, लेकिन हाँ बड़े बड़े जो शहर हैं उनके कंपैरिजन में जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी कम है। तो अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना इस तरह से छत पे आके, और जब भाई इतनी अच्छी हवा चल रही हो और ऊपर आप देख सकते हैं कि मौसम भी जो है वो बादल है अभी भी हल्का हल्का सा, तो अच्छा लग रहा है ऐसे मौसम में जो है वो टाइम स्पेंड करना। यहाँ पे अब देखे थोड़ी देर मेरे दोनों बच्चों की थोड़ी सी मस्ती, तो ये जो दोनों हैं ये इसी तरह से अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं, शाम का जो वक्त है वो एक दूसरे के साथ खेलते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, झगड़ते हुए। तो अब थोड़ी देर मैं टाइम स्पेंड करूँगी छत पे, उसके बाद जाकर के नीचे बनाएंगे खाना पीना। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो वो मुझे बताइएगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है वो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।